इसमें यही कलर है क्या? और कलर है क्या? और कलर है क्या दोस्तों? हाँ कलर है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी बिल्कुल ठीक है। अभी मैं यहाँ लंच करने बैठी हूँ तो मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉगिंग अभी से ही शुरू कर लेती हूँ, फिर बाद में टाइम नहीं मिल पाता है। आज दिन में लंच में खिचड़ी बनी है ये, और मैंने कोई चटनी नहीं लिया, अचार तो अभी मैं नहीं खा रही हूँ ज़्यादा। ये मटर चना दाल की खिचड़ी थी और बहुत टेस्टी ये खिचड़ी बनी, और मुझे इतना भूख लगा था कि मैंने गरम गरम ही खा लिया। तो चलिए मैं आपसे अब ये फिनिश करने के बाद मिलती हूँ। लंच हो गया है, अब मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे छोले बनाने हैं। आज घर में कोई भी नहीं है, बस मैं और सेबी आंटी हूँ, तो चलिए मैं फटाफट से छोले बना लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा रेडी है और प्याज मैंने काट के पहले से रख ली थी, टमाटर काट लिया है, और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो मैं आज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, बस आपको ऐसे ही थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप भी अपने ब्लॉग में हमारा नाम ले, तो आई एम वेरी सॉरी, मैं भूल जाती हूँ। जब मैं ब्लॉग एडिट कर देती हूँ उसके बाद मुझे याद आता है कि अरे मुझे ये भी तो करना था। तो अब आप आराम से अपना नाम लिख करके डालें, मैं एक कॉपी में नोट डाउन कर लूँगी और उसके बाद मैं सबका नाम लूँगी। आई एम वेरी सॉरी, मैं सच में भूल जाती हूँ, बट अब आप ऐसे नाम लिख करके मुझे दें और इंशाल्लाह मैं सबका नाम लूँगी। और हाँ, बालों को लेके मेरे पास बहुत सारा कमेंट आता है कि अपने बालों के बारे में बताएं कि आप अपने बालों में क्या लगाते हैं। तो मैं अपने बालों में ऐसा कुछ भी नहीं लगाती हूँ, इवन मैं ऑयल भी बहुत रेयर लगाती हूँ। बट हाँ, अगर आप प्याज का रस लगा रहे हो या आप मेथी लगा रहे हो, उसको सोक करके या फिर उसको ग्राइंड करके आप अच्छे से उसका पेस्ट बना के अपने सर में लगा रहे हो, थोड़ा 10 to 15 minutes आप उसका मसाज दे रहे हो, उसके बाद आप 1-2 घंटा के बाद वॉश कर रहे हो, तो ये बहुत यूज़फुल है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ट्रस्ट मी। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। यहाँ बात करते करते मेरा तेल भी गर्म हो गया है। और हाँ, एक चीज़ और, आप जब भी छोले बना रहे हो तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करो, आप रिफाइन ऑयल मत यूज़ करना। और अगर आप यूज़ करते हो तो ठीक है, बट टेस्ट मस्टर्ड ऑयल से ही ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ मेरे छोले पहले से बॉयल है तो मुझे जस्ट इसको पकाना है, उसे बॉयल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, ज़ीरा डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी, तो बहुत कुछ ज़्यादा डाल करके आपको इसको बॉयल नहीं करना है। और इसका जो पानी है वो मैं फेंकूँगी नहीं, वो मैं अपने ग्रेवी में यूज़ करूँगी। और मैंने प्याज़ और टमाटर को हल्का सा तेल में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया था और उसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया था, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट। और मैंने उसको अच्छे से अब मसाला भूनने के लिए डाल दिया है। यहाँ मेरा मिर्चा भी कट के रेडी है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है, मैंने हल्दी बिल्कुल भी नहीं डाला है, 2 चम्मच धनिया डाला है मैंने। और मैं उसमें छोले मसाला डालूंगी बाद में, और गरम मसाला का पाउडर डालूंगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने स्टार्टिंग में ही डाल दिया था जब मैंने मसाला को डाला था तेल में। अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाला था, बस और कुछ भी नहीं। और आपको मसाला को बहुत अच्छे से भूनने देना है लो फ्लेम में, आप उसको लो मीडियम फ्लेम में करके आप उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, जब तक वो साइड से ऑयल ना आ जाए तब तक आप बिल्कुल भी मत सोचना कि मसाला भून जाए। और जितने अच्छे से मसाला भूनेगा ना आपका छोले में या कोई और भी चीज़ में, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप देखो यहाँ हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आ गया है, तो मैं इसे थोड़ी देर और पकने दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें जो मेरे बॉयल छोले हैं वो ऐड करूंगी। और यहाँ मैंने अपने छोले भी डाल दिए हैं और मैं इसे अब 5 to 10 minutes बहुत अच्छे से पकने दूंगी। और हाँ, एक चीज़ और जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, अगर कभी ऐसा होता है कि छोले अलग हो जाता है और पानी अगर आप थोड़ा ग्रेवी कर रहे हो तो वो अलग हो जाता है, तो आप थोड़ा सा छोले निकाल करके उसको पीस करके अपने ग्रेवी में ऐड कर दो, तो आपका छोले बहुत ही थिक बनेगा और मतलब वो मसाला के साथ साथ ही रहेगा, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट नहीं होगा और टेस्टी भी रहेगा। और इसमें मैंने लास्ट में एवरेस्ट का थोड़ा सा छोले मसाला डाला था और गरम मसाला का पाउडर जब वो बॉईल हो रहा था तभी मैंने डाला था, और बस उसके बाद मैंने धनिया पत्ती डाल दी ऊपर से और अल्हम्दुलिल्लाह छोले बहुत अच्छा बना था। हम मार्केट के लिए निकल गए हैं, मैं, मम्मी और आंटी थे। मम्मी आंटी लोग आ गई थी घर, तो घर का ऑलमोस्ट सारा काम भी हो चुका था, तो उस वजह से हम तीनों फिर मार्केट के लिए निकल गए। हमें मार्केट में थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था, तो चलिए फिर मैं आपसे मार्केट पहुँचने के बाद मिलती हूँ।
रही है। यहाँ मैं अपने लिए कुर्ता पैंट चुन्नी का पूरा सेट देख रही हूँ। और ये जो शॉप है इनके पास जो मतलब इनकी जो फेमस चीज़ है वो चिकन के कुर्ते, लखनवी कुर्ते वो ये सारा ज़्यादा रखते हैं। बट ऐसे भी अगर आपको डेली वेयर में कुर्ता पैंट चाहिए तो वो भी इनके पास काफ़ी मतलब वैरायटी काफ़ी है इनके पास और प्राइस भी इनकी काफ़ी अच्छी है। तो बस हम यहाँ पर आ गए देखने के लिए, तो चलिए अब देखते हैं कौन सा पसंद आता है हमें। भैया तो दिखा रहे हैं, अच्छा अभी जो वो पाकिस्तानी स्लीव्स वाला आया ना, जो लूज लूज रहता है थोड़ा स्लीव्स भी, या एलिफेंट स्लीव्स वाला उस टाइप का कुछ। तो हमने काफ़ी सारा कलेक्शन देखा, तो मुझे ये जो मस्टर्ड येलो में था ये अच्छा लग रहा था, इसकी चुन्नी अच्छी लग रही थी और जिसकी चुन्नी पसंद आ रही थी उसका मुझे टॉप नहीं पसंद आ रहा था या फिर कुछ पैंट में ऐसा कुछ हो जा रहा था। बट फाइनली हम ले लिए हैं और हम लेके निकल गए। मैं आपको घर जाने के बाद दिखाऊँगी कि हमने क्या लिया है। और आज का माशाल्लाह से वेदर भी काफ़ी अच्छा है, तो थकान थकान मार्केट में नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है तो वो हवा चलती है पतझड़ टाइप का, तो वैसे भी मुझे स्प्रिंग सीज़न काफ़ी अच्छा लगता है। जो एग्ज़ाम का टाइम, बेसिकली ये एग्ज़ाम का टाइम रहता है, ये हमेशा से एग्ज़ाम का ही याद दिलाता है फरवरी में। और बस हमें थोड़ा बहुत और सामान लेने हैं, उसके बाद फिर हम घर जाएँगे। ज़्यादा रात नहीं हुई थी, बट हल्का हल्का ऐसे अंधेरा ही हुआ है और हमें 20 मिनट्स लगेंगे घर जाने में। तो चलिए मैं आपसे घर जाने के बाद करती हूँ। और मैं यहाँ चाय बना रही हूँ सबके लिए मार्केट से आने के बाद। मुझे मार्केट में ही मन हो रहा था कि मैं चाय पी लूँ, वो थोड़ा लेट हो गया था तो इस वजह से मम्मी आंटी ने कहा कि चलो घर चलो फिर इंशाल्लाह फिर कभी। और यहाँ शेवी आंटी बना रही थी पकौड़ी, तो मैंने वो छोटी सी क्लिप ले ली। तो बस फिर हमने चाय पिया, पकौड़ी इंजॉय किया। और इतना मतलब कोई कोई सा दिन इतना हैट्रिक हो जाता है ना कि लगता है कि बैक टू बैक हर चीज़ है। मुझे मेडिकल भी जाना है मम्मी के साथ मेडिसिन लेने के लिए, तो यहाँ बस हमने अपनी मेडिसिन ले ली है। और अगर मैं फैसल को बोलती कि फैसल तू ले आ, तो फैसल का ये है कि जा रहा हूँ ना रुक मैं थोड़ी देर करते 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 वो 2-3-4 घंटा पार कर देगा, उसके बाद बोलेगा अरे तू ही तो नहीं याद दिलाई थी, तो इससे अच्छा आप अपने ही कर लो। और यहाँ पे ये देखो मैं ये जो ड्रेस लेकर के आई थी, मैं उस टाइम तो नहीं दिखा पाई इस वजह से मैं अभी दिखा रही हूँ। ये इसका पैंट है और ये दुपट्टा है, माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। और इसमें जो ये ऐसे प्रिंट दिख रहा है ना दुपट्टा में, तो मैंने पूछा था कि ये निकलेगा तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अभी कुछ न्यू आया है तो ये निकलेगा नहीं जल्दी, वरना ये निकल जाता है, जो पहले आता था उसका ये प्रिंट निकल जाता था। और मुझे इसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था, जो मैंने स्टिच होने को सूट दिया है मुझे लग रहा मोर लेस सेम ही है कलर, वो पिंक वाइट में है उसी टाइप में ही है। इसमें थ्रेड वर्क भी किया हुआ है, आप देखो पैंट में थ्रेड वर्क है नीचे में, और जो उसका जम्फर है ऊपर का उसमें भी स्लीव्स में भी वैसे ही दिया हुआ है थ्रेड वर्क। जम्फर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, मुझे अच्छा लग रहा था। साइज़ भी मिल गया था कि मुझे इसमें कुछ करवाना नहीं पड़ेगा, तो मुझे अच्छा लग रहा था इस वजह से फिर मैंने ये ले लिया। कलर तो ऑल टाइम फेवरेट था तो मैंने ये ले लिया। फिर मुझे वो येलो वाला भी अच्छा लग रहा था, बट उसका जम्फर नहीं मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे ये अच्छा लगा तो फिर मैंने ये ले लिया। और मार्केट जाऊं और एक चीज़ ना लूं वो तो कभी हो ही नहीं सकता है, उसकी तो मुझे पूरी शॉप ही खोलनी है लगता है।
तो फिर मैंने अपने लिए एक और जूती ले ली, मुझे पसंद आ गया। मुझे मेरे पास इतनी सारी जूतियाँ हो गई है ना कि अब तो लगता है कि अब मेरे घर वाले मुझे मार्केट ले जाना ही बंद कर देंगे। ये ज़्यादा हील में नहीं थी बट मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली। ये वो पंजाबी मोजरी जैसी नहीं है क्योंकि मोजरी ऑलरेडी मेरे पास हो गई थी पहले से दो तीन, तो फिर मैंने एक ये वेलवेट में है, ये पूरे साइड साइड में और ऊपर में भी पूरा वेलवेट है और उसके ऊपर में ये जो लगा हुआ है ये स्टिक किया हुआ है। आज हमारे घर में नाश्ता में बना है सत्तू का पराठा और आज संडे भी है और सत्तू का पराठा सबको पसंद भी है तो आंटी मम्मी ने यही बना दिया। तो चलिए मैं आपसे नाश्ता कर लेती हूँ, मैं आपसे उसके बाद मिलती हूँ। और आज हमारा कहीं जाने का भी प्लान है तो मैं वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो फाइनली हम आ गए थे, हमें जू आना था तो चलिए मैं आज आपको जमशेदपुर के जू में घुमाती हूँ। मैं हर छोटी छोटी चीज़ तो नहीं दिखाऊंगी, काफ़ी बड़ा ऐसे बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। तो आज हम लोग को सबसे पहले भालू दिखाऊँ, यहाँ यहाँ खड़े होके बोलो। हाँ अब बोलो, भालू का रिश्तेदार, भालू का रिश्तेदार आयशा। हाँ आसिफ तुम क्या बोल रहे थे बोलो। बोल रहे थे आज हमने सबसे पहले जब गेट से अंदर घुसे तो सबसे पहले हमको भालू नज़र आया। जू में बस एक ही डो भालू है नहीं और भी बहुत कुछ है। हाँ आगे में मिलेगा, शेर मिलेगा, बिल्ली मिलेगी, सब चीज़ मिलेगा। ओके बाय बाय। और संडे है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, आप देखोगे आगे काफ़ी रश है यहाँ पे। आयशल क्या है? बस तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर दो डो है दिख रहा है, एक इधर शिकार करने के लिए आ रहे हम लोग के पास। और एक कहाँ है? क्या है गुड़ा? हाँ अरे क्या होता है? हर हर समय दो दो खाली होएगा ना अब इनको मुझे तो लगता है कि देखते देखते भी इंसान थक जाता है, जैसे ये इतना बड़ा है घूमते 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 हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। बाहर में ये अंकल अमरूद बेच रहे थे, काफ़ी टेस्टी उनकी अमरूद थी। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने मोमोज खाया, रोल खाया और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ हमने चाय पी। आई जस्ट लव चाय। मैंने और शमीन ने चाय पी थी और यहाँ मैं उससे कुछ बोल रही थी बट मैंने यहाँ का वॉइस काट दिया। और यहाँ ये मेरी क्यूट सी प्रिंसेस। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।